सोचा था जब हम बचपन में थे तो शोले वगैरह इन सब के डायलॉग की बात होती थी सलीम जावेद के डायलॉग आज कल लोग पंकज त्रिपाठी के, के डायलॉग की बात करते हैं कभी आपने सोचा था कि आपकी डायलॉग डिलीवरी इतना बड़ा कल्ड स्टेटस ले लेगी नहीं नहीं सोचा था और इनफैक्ट मैं मैंने काम भी बहुत ज्यादा नहीं किया है कि मैं अपना एक पैटर्न बनाऊ ऐसा मैं इरफान साहब से बहुत प्रभावित था इरफान खान साहब से मुझे लगता था कि एक्टिंग इनकी जैसी होनी चाहिए आ, पर लगा कि मैं इनके जैसा करूंगा तो ये तो ऑलरेडी हैं तो मुझे कुछ और तलाश खोजना पड़ेगा तो मैंने नहीं सोचा था कि और ना ही मैं अपने डायलॉग डिलीवरी के संवाद अदायगी के क्राफ्ट पे बहुत काम किया है मैं आप अगर ध्यान से सुनेंगे मेरे संवादों को तो आरोह अवरोह आरो, बहुत कम मिलेंगे उतार चढ़ाव वो स्ट्रेस तुम यहाँ क्या कर रहे हो तुम यहाँ क्या, क्या कर रहे हो ये सब नहीं होता है मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मैं बस जो समझा बात कहनी है समझा दूँ तो पर ही पता नहीं वो चीज़ शायद दर्शकों को सुधी दर्शक हैं इन्हें पसंद आ जाती है आप सबसे ज़्यादा डिमांड किस डायलॉग की होती है जब लोग बोलते हैं ना अरे वो डायलॉग सुनाइए हाँ वो सबके इनफैक्ट इन स्त्री के मिर्ज़ापुर के लूडो के मेरे मीम्स बहुत बनते हैं और <laughs> <laughs> जबकि मैं 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 जीवन में मीम मटेरियल बिल्कुल नहीं हूँ आज बहुत मुश्किल से मेरी टीम वालों ने कोट पहनाया है तो पर सिनेमा में मीम्स बना देते हैं सब और अच्छे क्रिएटिव लोग होते हैं अच्छा भी चलते रहता है कोई मीम जो आपको याद हो हाँ बहुत सारे मैं करता हूँ प्रबंध लिख के देता हूँ कोई नहीं आएगा और वो म्यूजिक बहुत सारे बहुत सारे <laughs> मतलब मेरे सिनेमा से हो सकता है कि कुछ लोग परिचित ना हो ना देखे हो बट मीम्स से तो अपरिचित कोई नहीं होगा ऑडियंस <laughs> के कुछ सवाल ले लें क्योंकि बहुत हाँ, लोगों ने, हा, ने मुझसे कहा था कि पंकज जी से बहुत सवाल हम पूछना चाहते हैं बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगेगा बिल्कुल किशोर मुझे लगता है कि अगर पंकज त्रिपाठी मंच पर हैं तो जनता के सवाल जरूर होने चाहिए अपना नाम और अपना सवाल पंकज जी मेरा नाम पूजा है और मैं भी गंडक किनारे के शहर से ही आई हूँ सवाल ये है कि जब बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं जीवन में वो ज़मीन से आसमान की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं लेकिन फिर पीछे मुड़कर वो देखना नहीं चाहते लेकिन पंकज त्रिपाठी में ऐसा क्या है कि वो जहां जाते हैं वहीं के हो जाते हैं मतलब आप अपने दोस्तों के बीच में भी जाते हैं तो उनको ये लगता है कि कोई सुपरस्टार नहीं उनका दोस्त आया है आप जिस तरीके से सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हैं अभी मुझे लास्ट का एक पोस्ट याद है कि अपने अधूरे ख़्वाब का जो बोझ है वो अपने बच्चों पर मत डालिए तो ये कैसे आप कर लेते हैं कैसे मेंटेन कर लेते हैं क्योंकि एक स्टेटस पर पहुंचने के बाद फिर से वापस गांव में जाना लिट्टी चोखा खाना ये सब आप कैसे मैनेज करते आ, फ्लाइट से मैनेज करता हूँ <laughs> समय कम लगता है जाने में आ, पिछले दिनों एक खैर मेरा मानना है कि अगर मैं अपनी रूट्स से कट जाऊंगा ना तो सूख जाऊंगा जैसे पौधे जो हरा भरा ऊपर दिख रहा है ना, उसकी सारी ताकत नीचे जड़ में है पौधों का रूट्स दिखता है हम इंसानों का रूट्स दिखता नहीं है क्योंकि हम चलते हैं हम जड़ नहीं हैं लेकिन हमारे जड़ हैं तो मैं उस जड़ को ध्यान पर रखता हूँ तो और और आई थिंक इसमें माँ बाबू जी किताबों का योगदान है जैसे टीचर्स मिले जैसे लोग मिले उ, उसका भी योगदान है कि वो आपको आपको एक ही जीवन है तो कहाँ उड़ के जाना है तो जितना जानते हैं उतने को संभाल ले तो बहुत है बिल्कुल सही बात है मुझे लगता है कि और और भी कुछ लोगों के सवाल है, स, नाम और सवाल हैं अपना अपना नाम पंकज सर मैं आप ही के घर के पास का ही हूँ दस किलोमीटर मेरा घर है सर मेरा क्वेश्चन है तो गांव का नाम भी बता दीजिए कटेहा थाना है सर कटे जी जी दस नहीं पंद्रह सौ बीस किलोमीटर हाँ वही दस पंद्रह किलोमीटर पड़ जाता है सर मेरा सवाल ये है कि आप और मनोज सर अगल बगल मेरे चंपारण से मनोज सर आते हैं और आप बिहार में बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो दब जाते हैं पीछे क्योंकि सरकार उतना काम नहीं कर पाती है जैसे अगर आप मुंबई में चले जाएं तो वहाँ पे काम हो जाता है दिल्ली में आइए तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं आप दोनों मिलकर क्या बिहार के कलाकारों के लिए कुछ फ्यूचर प्लान कर सकते हैं हाँ अवश्य कर सकते हैं आ, पता नहीं भविष्य के गर्भ में क्या है कम से कम इतना तो हम बिना कुछ किए इंस्पायर तो कर ही रहे हैं बहुत सारे गांव खेड़े के बच्चों को कि मेरी जर्नी देख के तुम भी कर सकते हो मेरे लिए कोई दूसरा पंकज त्रिपाठी नहीं था मैं मनोज भैया से सिर्फ प्रेरणा लिया और अपने रास्ते पे निकल गया मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ कि हमारे ज़माने में गूगल नहीं था कि जब आप फोकस्ड हैं डेडिकेटेड हैं तो नेविगेशन के लिए गूगल की ज़रूरत नहीं है तो बिना पंकज त्रिपाठी के और बिना सरकारी सहयोग के भी कोई बालक अपनी जर्नी कर सकता है उसमें जुनून चाहिए उसमें फोकस चाहिए उसमें परिश्रम और धीरज चाहिए ये? तो जी नहीं बस हम चुने हुए प्रत्याशी नहीं हैं, हम हम पॉलिसी नहीं बनाते हैं वरना मैं तो तुरंत बना देता है एक पॉलिसी जिसमें हर गांव नॉट बिहार हिंदुस्तान के हर इलाके के बच्चों के लिए उनके प्रतिभा को निखारने का मौका मिले चुनाव आप प्रत्याशी बनना चाहते हैं आप, आप स्टूडेंट डेज में रहे हैं पॉलिटिक्स में मेरी बातों से ऐसा लग रहा है नहीं नहीं हमने पढ़ा है हाँ जी जी रहा हूँ रहा हूँ तो फिर पॉलिटिक्स क्यों छोड़ दिया आपने आ, क्योंकि मजा नहीं आया उतना किस तरह था? नाटक में ज्यादा मजा आने लगा तो लगा कि यार इसमें ज्यादा मजा है इसमें अलग अलग रूप धरते हैं मंच पे और अलग अलग किरदार करते हैं और दर्शकों को पता है कि जो हो रहा है वो झूठ हो रहा है बावजूद उसके आपको रोना आता है और राजनीति के मंच के बारे में वापस आप इसको इसी उदाहरण से कल्पना कर लीजिए कौन सी पार्टी के साथ थे आप हा? कौन सी पार्टी के साथ थे आप मैं अखिल भारतीय <laughs> तो फिर तो फिर तो मौजूदा हालात में आपको बहुत कुछ मिल सकता था अगर आप सरकार से चाहते तो आ, मैं अपने प्रयास से बहुत कुछ पा रहा हूं फिर मुझे आ, मैं अपना काम मैं मैं एक और चीज़ बोलता हूँ सर मैं एनएसडी से पढ़ा हुआ हूँ मैं एनएसडी सरकारी संस्थान है टैक्स पेयर के पैसे से चलती है वो संस्थान तो मेरे अभिनेता बनने में अभ जनता और सरकारों का योगदान है तो मैं खराब अभिनय करूंगा तो देश का नुकसान होगा तो <laughs> तो और मुझे लगता है कि मैं अपनी जिम्मेदारी उतनी ही तत्परता से निभाऊं ताकि मेरी तरह कोई और दूसरा पंकज त्रिपाठी जिसके अभी आप बात कर रहे थे उस तक वो सुविधाएं और वो इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचे तो गांव में बचपन में फिल्में कौन सी देखते थे आप हाँ बहुत कम मैं पचास साठ फिल्में देखा हूँ पूरे जीवन में बस बस पचास साठ बस अंग्रेजी की मैंने शायद दो देखा होगा या तीन और हिंदुस्तानी हिंदी की पचास उन पचास में तीस ऐसी होंगी जो कि जिनको पैरल सिनेमा की तरफ तरीके से आँखा जाए मिथुनदा की फिल्में देखते थे और संजय दत्त की एक आध फिल्में देखी हैं गांव में आती थी गांव में मतलब हाँ पटना जाने के बाद गांव में तो कुछ भी नहीं देखा था क्योंकि बिजली बत्ती टीवी वो भी था ही नहीं दसवीं तक दसवीं तक आपने कोई फिल्में देखी कुछ फिल्म नहीं देखी दसवीं तक एक फिल्म देखी थी जय संतोषी माँ वो भी इसलिए कि मेरे बाबू गए थे वो थिएटर हॉल का पूजा कराने तो मैं दस साल के बालक था ले गए कि चलो तुम तो पूजा होने के बाद जय संतोषी माँ दिखाया गया था वो देखी थी बस वो आपको अब तक जहन में है नहीं अब तो भूल चुका हूँ अभी मतलब कहानी याद नहीं है बट किस्सा याद है कि फिल्म देखा था और फिर पटना जाके आपने क्या किया पटना में पढ़ाई करने डॉक्टर बनने गया था बाबू जी डॉक्टर बनने हाँ हाँ मेडिसिन की पढ़ाई करने और दो बार इम्तहान भी दिया हूँ दोनों बार फेल हो गया तो 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 मैं बोला कि डॉक्टर एक व्यक्ति का इलाज करता है कलाकार पूरे समाज का इलाज करता है